नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अनिल शर्मा एस्ट्रोलॉजी टीवी में। और सबसे पहले मैं आपको नया वर्ष जो है उसकी विश करूंगा। आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। और मैं आज बात करूंगा कन्या राशि वालों के लिए, वर्गो राशि जिनकी है, वर्गो लगन जिनका है, वर्गो सनसाइन जिनका है, जिनके नाम की राशि जो है वो वर्गो है, कन्या है, उसके बारे में कि ये 2018 जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और जे आप पहुंचा है हमारे द्वार पे, जे आपके लिए लेकर क्या है। एस्ट्रोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि नए वर्ष की शुरुआत जो है वो आपकी ही लगन से, आपकी ही राशि से हो रही है, यानी कि कन्या लगन में नए वर्ष का उदय हो रहा है अर्धरात्रि के दिन। और उस समय जो ग्रहों की स्थिति होगी उसको थोड़ा सा हम जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम जानेंगे कि ये किस तरह से आपके जीवन के ऊपर 2018 में प्रभाव डालेगा। तो सबसे पहले आपके सेकंड हाउस, यानी कि जहाँ पे आपका कुटुंब है, आपका परिवार है, एक्सटेंडेड फैमिली है, आपका धन है, आपके स्वाद है, आपका मान सम्मान है, वहाँ पर बैठे हुए हैं मंगल एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर की पोजीशन वहाँ पे है। वहीं आपके लगन के राशि के लॉर्ड जो हैं, सन साइन के लॉर्ड जो हैं मरकरी, वो आपके पराक्रम में जाके बैठ गए हैं, यानी कि आपके पास एनर्जी रहेगी, ये साल आपका एनर्जी से भरा रहेगा। वहीं आपका सुख स्थान जिसको हम कहते हैं घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी, माँ, एजुकेशन, ये बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है। घर छोटे से बड़ा हो जाएगा, घर बदलने का, रिलोकेट होने की आपको अवसर मिलेगा। तो जैसे चौथा घर जो है फोर्थ हाउस जन्म कुंडली में जो होता है वो निर्धारित करता है कि किस तरह की स्थितियाँ आपकी होंगी। तो हमने ये जन्म कुंडली बना ली है 2018 की, कि जन्म कुंडली जब शुरू होगा तो उस समय की स्थिति क्या होगी, कन्या लगन में कन्या लगन वालों का, कन्या राशि वालों का जो पोजिशन होगी वो किस तरह की होगी। तो सुख स्थान में आपके बैठे हैं सूर्य, शनि और शुक्र, ये चार ग्रहों, तीन ग्रहों का एक योग यहाँ पर बैठा हुआ है। वहीं केतु आपके पंचम भाव में फिफ्थ हाउस में है, चंद्रमा आपके टेंथ हाउस में और राहु आपके इलेवंथ हाउस में, यानी कि जहाँ सक्सेस है वहाँ पर है राहु। तो ये सारी की सारी ग्रहों की स्थिति इसमें पूरे वर्ष में, हालांकि सभी ग्रह चेंज होते हैं लेकिन राहु, केतु और शनि का कोई ट्रांजिट इस दौरान नहीं होगा। जुपिटर ट्रांजिट होंगे अक्टूबर महीने में, मंगल बहुत जल्दी चेंज हो जाएंगे 17 जनवरी में ही चेंज हो जाएंगे। तो ये जो चेंजेस आएंगी इस दौरान, ये बहुत सारा प्रभाव अपना छोड़ेंगी, जिसके साथ, जिसकी वजह से समय समय पर आपकी सोच में, आपकी इच्छाओं में सक्सेस और फेलर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो कुंडली है वो क्या दिखाती है कि यस, सबसे पहले हेल्थ की बात मैं जरूर करूँगा कि हेल्थ ही सब कुछ देती है। अच्छा मन, अच्छी सेहत हमें सब कुछ करने के लिए पुश करती है और हमें एक रास्ता मिलता है, हमें एक सहयोग, हमारे अंदर एक एंथुसियाज्म आता है कि हम किस तरह से आगे बढ़े। तो आपकी हेल्थ के मामले में कहूँगा कि लग्नेश की स्थिति बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेजर इश्यूज हेल्थ के नहीं होंगे। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, क्योंकि आपका सिक्स्थ हाउस शनि से जुड़ा हुआ है और आपका जो लगन है, आपकी जो राशि है वो नेचुरल मैलेफिक राशि या बीमारियों से जुड़ी हुई राशि मानी जाती है, इसलिए आपको पेट का बहुत सारा ध्यान रखना होगा। आपको हड्डियों की तकलीफ हो सकती है, लिवर डिसऑर्डर हो सकता है, एसिडिक अटैक जिसको बोलते हैं, एसिडिटी के अटैक हो सकते हैं, रिफ्लक्स हो सकता है साइलेंट, जिसकी वजह से माइग्रेन हो सकता है। तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान देनी होगी। इसकी वजह से गले के ऊपर भी कई बार प्रभाव आता है, हम देखते हैं कि एसिड रिफ्लक्स जब होता है, साइलेंट जब होता है, तो गला जो है हमारा दुखता है, उसमें दिक्कतें आती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, टायर्डनेस से आपको बचना होगा और आपको एक्शन लेना है, क्योंकि आपका ये नया वर्ष आपको कर्म से जुड़ा हुआ बना रहा है। तो एक्शन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को सही समय पर कर लेते हैं तो हेल्थ इस पूरे वर्ष में आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, इसमें कोई दो राय दिखाई नहीं देती है। वहीं मंगल जो है वो अष्टम भाव के कारक होकर आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, तो मंगल का बुध के साथ संबंध हो जाएगा। तो मंगल कहीं ना कहीं अचानक से ये माइग्रेन या माइनर एक्सीडेंट या कई बार अचानक से सिर में इंजरी होने का कोई योग बना देता है, तो थोड़ा गाड़ी वगैरह चलाते वक्त आपको ध्यान रखना होगा ताकि ऐसी घटनाएं और दुर्घटनाएं आपके साथ घटित ना हो। जितना बेहतर होगा उसको बनाने की कोशिश करें। बात करूं आपके रिलेशनशिप की, क्योंकि रिलेशनशिप बहुत जरूरी है, संसार में रहना है तो हमारे रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, माता पिता के साथ, बहन भाइयों के साथ, पत्नी के साथ, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ। तो सबसे पहले मैं आ जाऊं आपके वैवाहिक जीवन के बारे में, आपकी मैरिटल जो पोजीशन किस तरह की रहेगी, आपकी जो लोग शादीशुदा उम्र के हैं, जिनकी शादी की उम्र हो चुकी है, मैं कहूँगा कि यह वर्ष आपको विवाह सूत्र में बांधेगा, आपको शादी का अवसर मिलेगा, आप प्रपोज कर पाएंगे, आप एंगेजमेंट आपको मिलेगी। आप अगर किसी को चाहते हैं तो बिना झिझक आपको अपने
इजहार कर देना चाहिए अपनी मोहब्बत का, तो जो अच्छी बात होगी जिससे आपकी बात आगे बढ़ेगी। और ये शादी के सूत्र में बंधने का एक अच्छा अवसर कन्या राशि लग्न वालों के लिए 2018 रहेगा। तो ये पूरा वर्ष पर ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी क्योंकि आपके सेवंथ हाउस के कारक जुपिटर परिवार में ही बैठे हुए हैं। तो परिवार की अब बात करें तो एक्सटेंडेड फैमिली की बात होती है तो बहुत सारे रिश्ते होते हैं, तो कहीं ना कहीं मंगल की वजह से कुछ तीखापन रहेगा, लेकिन जुपिटर की पोजिशन वहाँ पर दिखाती है कि आप अपनों के साथ संबंध को अच्छा बनाने में विश्वास रखते हैं। ये पास की कुछ गलतियां होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से मन में द्वेष रहता है, गुस्सा रहता है, तो मैं कहूंगा अब इसको आपको दूर करना है। कारण क्योंकि आपका सुख यानी कि सेकंड हाउस का लॉर्ड सुख स्थान में बैठा हुआ है और ये एक राशि एक्सचेंज भी है, तो मैं कहूंगा कि अपने सुख को बढ़ाने के लिए अपने साथियों को साथ लेके बढ़ना बहुत जरूरी है, ये एक बहुत ही अच्छी बात होगी। वहीं आपके भाई बहन जो है, मैं देख रहा हूं कि थर्ड हाउस का कार्क जो लॉर्ड है वो मंगल है, जो एक घर पीछे चला गया लेकिन वो कुटुंब में बैठा हुआ है, तो ऐसा लगता है कि चाहे उनसे कुछ दूरियां रहेंगी लेकिन आपसी पारिवारिक संबंध जो है उनके साथ बना रहेगा और उनकी लंबी दूरी की यात्राएं भी, उनके काम काज भी, उनकी थोड़ी हेल्थ का भी आपको टेंशन रहेगी। मैं ये कहूँगा कि रिश्तों को संभालने के लिए संभालना बहुत जरूरी होगा, इनको आप संभाल के रखें। वहीं माता पिता के मामले कहूँगा, नो डाउट कि इस समय माता और पिता दोनों की ही ग्रहों की पोजीशन बहुत अच्छी है, दोनों ही सितारे बहुत अच्छी जगह पे बैठे हुए, तो एक अच्छा एक्सचेंज बना हुआ है, तो अपने रिश्तों को और मधुर बनाने के लिए उनका आशीर्वाद लेते रहना बहुत अच्छा होगा। वहीं बात करूँ आपके घर गाड़ी, इससे पहले के घर गाड़ी संतान की बात करूँ, जो लोग संतान की इच्छा रखते हैं निश्चित तौर पर संतान के अवसर मिलेंगे आपको, शायद एक थोड़ी बहुत मेडिकल सहायता लेने की जरूरत पड़े लेकिन उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। यंत्र मंत्र का उपयोग भी इस समय आपको, किसी पूजा अनुष्ठान का उपयोग भी आपको संतान प्राप्ति में लाभदायक होगा, तो संतान की तरक्की भी इस वर्ष में दिखाई दे रही है जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन वहीं पे चंद्र और केतु का एक छड़ा अष्टक योग आपकी कुंडली में इस नए वर्ष में बना है, जो थोड़ा सा मन मुटाव की स्थिति रहेगी, तो मुझे लगता है कि आप बच्चों को थोड़ा अवसर दें ताकि वो आगे बढ़े तो उससे लाभ होगा। अगर मैं बात करूं आपके घर गाड़ी प्रॉपर्टी की, तो निश्चित तौर पे एक ऐसा एक्सचेंज बना हुआ है जो दिखा रहा है कि इसके माध्यम से, प्रॉपर्टी के माध्यम से आपको एक अच्छा साल होने वाला है। आप छोटे घर से बड़े घर में आप रीलोकेट हो सकते हैं, आप वहीं आपने छोटे घर से निकल के, चाहे रेंटेड प्रॉपर्टी है, आप थोड़े अच्छी लोकेशन में जा सकते हैं, एक अच्छा स्थिति दिखाई है, गाड़ी बदलने का अवसर मिलेगा और इसको रोकना नहीं चाहिए। पर मैं ये मानता हूँ कि गाड़ी ये चीज़ें जो है हमारी स्टेटस को दिखाती हैं, लेकिन प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपका इन्वेस्ट किया हुआ धन जो है वो आपके काम आएगा, आपकी एक बड़ी सेविंग होगी जिसको आपको इस बार करना चाहिए। और ये बहुत अच्छी एक स्थिति है क्योंकि धन और सुख का कारक आपस में मिले हुए हैं और ये प्रॉपर्टी का सुख आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं बात करूं आपके धन की, अगर धन की बात करूं तो निश्चित तौर पे हमें काम करना होगा, तो आपकी कुंडली में इस बार आपका जो 10th हाउस है वो भी मर्करी से जुड़ा हुआ, और मर्करी फिर एक बार आपके हाउस ऑफ सक्सेस कहें के पराक्रम में बैठा, तो इस बार आपको जॉब में प्रमोशन मिलेगी, आपको आपकी इच्छा अनुसार जॉब में प्लेसमेंट मिलेगी, आप जॉब में बहुत अच्छा कर पाएंगे और बिजनेस करने वाले लोग तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। मीडिया में जो लोग हैं वो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा करेंगे, जो राइटिंग में है, जो बुक पब्लिशिंग करते हैं, बुक शॉप चलाते हैं, जो आईटी प्रोफेशन में है, जो लॉ सूट में है, जो हेल्थ में है, तो कहने का मतलब कि बहुत सारी चीज़ें मैं गिन रहा हूँ, तो जो भी कहने का मतलब कि आप जिस भी फील्ड में हैं आपका करियर जो है प्रोफेशनल, चाहे वो आप जॉब करते हैं चाहे आप बिजनेस करते हैं, निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इस साल में आपको मिलने वाली है। और जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं निश्चित तौर पे आपके पास बहुत अच्छा एक क्लाइंट बेस बन जाएगा और आप इसका पूरा लाभ लेंगे। वहीं चंद्रमा जो है इस वर्ष आपके हाउस ऑफ सक्सेस के कारक हैं, जो आपके स्टेटस में, रेपुटेशन में मान वृद्धि लेके बैठे, यानी कि आपके 10th हाउस में आ गए, वहीं राहु भी उनको रिप्रेजेंट करते हैं और आपके सक्सेस हाउस में बैठे हुए, तो ये एक ऐसा योग बन गया है कि जिसमें ऑल ओवर अगर मैं कहूँ जो 10th हाउस और ये जो जो वर्ष की स्थिति है वो आपके धन की वृद्धि करने वाली, आपके स्टेटस की वृद्धि करने वाली, आपकी जॉब को, बिजनेस को अच्छा करने वाली है, आपके रिलेशंस को अच्छा बढ़ा करने वाली है। कुल मिला के मैं कहता हूँ कि अगर हम इन सब चीज़ों को मिला लें, हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें, तो यह एक साल ऐसा साल आप लोगों के लिए होने वाला है जिसको आप अपनी जिंदगी में बार बार याद करेंगे कि इसमें, इस साल में हमने ये अचीव किया था या ये अचीव किया है। एक बात जाते जाते कहूँगा कि जो लोग शादीशुदा है निश्चित तौर पे थोड़ा सा आपको ध्यान
अपनी मैरिटल लाइफ के ऊपर देना होगा। कई बार आप बहुत व्यस्त हो जाते हैं जो दिखाई दे रहा है, तो शायद अपनी फैमिली के लिए समय ना निकाल पाए, उसको आपको बैलेंस करना है। तो यही कहूँगा कि 2018 आप लोगों के लिए एक बेहतरीन साल होने वाला है, और जाते जाते कहूँगा कि आपको नववर्ष की बहुत शुभ मंगल कामनाएं। जय वर्ष आपके लिए निश्चित तौर पर, जैसे मैंने कहा है, इस तरह के ही फल लेके आए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। यह वीडियो आपको पसंद आएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, ताकि ऐसी जानकारी मैं आपको बार बार हर महीने में देता रहूँ। अब मैं मिलूंगा आपसे फरवरी महीने के वर्ष ये मंथली फॉरकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।